हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेन में बायोलॉजी विषय में आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर समाप्त हो गया है। उसके आगे हम आज नया चैप्टर करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, देखिए लेशन का नंबर जो आपके हिसाब से हो डाल लेना, और लेशन का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये जो पूरा पार्ट है वो आनुवंशिकता और जैव विकास, जैसा कि पाठ का नाम है उसी के पाठ के नाम पर ही पूरा जो है लेशन आधारित है। तो सबसे पहले हम पाठ को शुरू करने से उसकी बेसिक जानकारी जानना जरूरी होता है हमारे लिए। तो उसमें बेसिक जानकारी में आनुवंशिकता शब्द कई बार आता है इस पूरे पाठ में। तो हम आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, वंशागति, यानी ये दो तीन हेडिंग्स हैं, इनमें बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये बेसिक ही है, बेसिक के साथ साथ इससे जो है संबंधित एक या दो नंबर में आपके परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के नाम के आधार पर इस पाठ का थोड़ा बेसिक जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने आनुवंशिकता जैसा शब्द देखा पाठ के नाम में कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता और जो जैव विकास है ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हमारा आनुवंशिकता शुरू होता है, तो आनुवंशिकता पढ़ते हैं। देखिए आनुवंशिकता और आनुवंशिकी एक ही बात है, आपसे एग्जाम्स में एक या दो नंबर में पूछा जाता है कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी ये प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। इसका सीधा आंसर आपको दो शब्दों में देना होता है कि आनुवंशिकी शब्द का या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि आपसे इसका प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम पूछता है। तो सबसे पहले आनुवंशिकी या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना होता है, जिनका नाम आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, ग्रेगर जॉन मेंडल 1866। यानी कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप उत्तर दोगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने 1866 में आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात हुए, क्योंकि इन्होंने 1866 में अपने आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियमों को प्रस्तुत किया, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिकों में उन्हीं नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, इसकी खोज कब और किसने की। तो उन्हीं प्रश्नों पर आधारित जो है आज का जो हमारा वीडियो है, छोटी छोटी हेडिंगें हैं यहाँ पर तीन, और तीनों हेडिंगों के बारे में देखेंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, वंशागति, इन सब में थोड़ा थोड़ा किस प्रकार से अंतर है। तो हम बात कर रहे थे कि आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, या आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकी की खोज कब और किसने की। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में जो है अपने नियमों का, आनुवंशिकता से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया, और इन्होंने अपने नियमों के लिए जो बाग बगीचों में उगाई जाने वाली मटर होती है, जिसे उद्यान मटर कहा जाता है, उस पर अपने नियमों का जो है प्रयोग किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का जनक कौन है, तो आप बताओगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने अपने आनुवंशिकता से संबंधित तीन नियम प्रस्तुत किए, और इन तीनों नियमों को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने उद्यान मटर
यानी बाग बगीचों में उगाई जाने वाली मटर, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम यानी कि वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है, उसका प्रयोग किया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी छोटी छोटी हेडिंगें जो कि हैं महत्वपूर्ण है। सबसे पहली हेडिंग है वंशागति या आनुवंशिक लक्षण, यानी आपसे पूछता है कि वंशागति लक्षण या आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी और जेनेटिक कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले कि वंशागति या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हम जब बायोलॉजी या जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो पूरी जीव विज्ञान में कहीं ना कहीं प्रकार से इन शब्दों को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो उन शब्दों के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि माता पिता से जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक लक्षण इस प्रकार से पढ़ते आते हैं, परंतु हमें उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए वंशागति या आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वे लक्षण वंशागति लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आप दो लाइन की इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दो लाइन की इसकी परिभाषा है, तो हम आप समझेंगे कि जीवों के वे सभी लक्षण यानी जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं, सभी प्रकार के जीवधारियों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हम में या आप में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हमारे पितृज या आपके पितृज जैसे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, इन लोगों से वो लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो हमारी पूर्वज की पीढ़ी थी उस पूर्वज की पीढ़ी से वो लक्षण हम में आए। तो ये लक्षण क्या कहलाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षण। और ये लक्षण अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे आँखों का रंग, शरीर की लंबाई, चेहरे का बनावट, चेहरे का रंग, शरीर का रंग, इस प्रकार से कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। तो ऐसे लक्षणों को जो है क्या कहा जाता है, वंशागत या आनुवंशिक लक्षण। तो आप समझ पाए कि सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी कि माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, तो वो लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप देख पा रहे हैं वंशागति या आनुवंशिकता। आपसे पूछा जाता है कि वंशागति किसे कहते हैं या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यहाँ से मिलेगा, जिसको इंग्लिश में वंशागति को हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता का नियम या आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए, आनुवंशिकता का प्रथम नियम क्या है, यानी ये आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, जिसमें इन तीनों हेडिंगों में से एक हेडिंग जोड़ देते हैं, उसके बाद उसके संबंधित नियमों के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए हमें इन हेडिंगों के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं अब वंशागति या आनुवंशिकता। देखिए आनुवंशिक
लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर क्या समझा, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और ये लक्षण सभी प्रकार के जीवधारियों में अपने पूर्वजों से संततियों में जाते हैं। तो आप यह आनुवंशिकता समझ रहे हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी जो हमारे जेनेटिक्स लक्षण होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की प्रक्रिया है, यानी जिस प्रक्रिया से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक विधि होती है, और उसी विधि के अंतर्गत वो जो कार्य किया जाता है तो वो कार्य सही ढंग से परिपूर्ण होता है, सही समय पर परिपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी, यानी आनुवंशिक लक्षण या पूर्वजों से लक्षण संततियों में जब जाते हैं तब वो एक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से जाते हैं। तो जो वो विधि और प्रक्रिया है, उसी विधि या प्रक्रिया को जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। जब हम आनुवंशिकता की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, यानी आनुवंशिकता या वंशागति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम, तब यहाँ पर वही पढ़ेंगे कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो विधि या प्रक्रिया है उसको आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। तो आप समझ पाए वंशागति या आनुवंशिकता क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। इसके बाद अब आपसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, यानी ये तीनों हेडिंगें एक जैसे ही प्रतीत हो रही हैं, परंतु सभी में कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, हमें उस थोड़े थोड़े अंतर के लिए ज़रूरी है जानना। तो आनुवंशिकी, अब आपसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी, देखिए जिस प्रकार से आपने साइंस पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान में कई ऐसी शाखाओं को प्रतिपादित किया गया है जिसमें किसी विशेष लक्षणों से युक्त, विशेष कार्यों के लिए उपयोजित जीवों को, विशेष गतिविधियों को, विशेष सिद्धांतों को, विधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये आनुवंशिकी जो है, जेनेटिक्स जो है, ये आनुवंशिकता से संबंधित एक शाखा है, और इस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उन सभी गतिविधियों को, जैसे कि आनुवंशिकता का सिद्धांत, आनुवंशिकता के लक्षण, वंशागति के लक्षण, और भी इससे जितने भी संबंधित कार्य गतिविधियाँ होती हैं सभी को आनुवंशिकी में सम्मिलित किया गया है, आनुवंशिकता की शाखा में रखा गया है। क्योंकि इन सभी को एक शाखा में एक जगह व्यवस्थित करने से सबसे फायदा तो ये हुआ कि अध्ययन की सुविधा हुई, साथ साथ में जो है किसी भी इस टॉपिक से संबंधित, इस लक्षण से संबंधित अगर हमें जानकारी इकट्ठा करना है तो हमें आसानी से एक जगह मिल जाता है, और साथ में इससे संबंधित जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती हैं, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं आनुवंशिकी के परिप्रेक्ष्य में, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं पारस्परिक संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ दो नए शब्द आए हुए हैं, सजाती एवं पारस्परिक, इनको हम आपको समझाना चाहेंगे।
सजातीय और पारस्परिक संबंधों से संबंधित जीवों को एक और उनसे संबंधित गतिविधियों को एक ही शाखा में रखा जाता है, क्योंकि वो जैसे जिस प्रकार से एक परिवार होता है, एक परिवार में एक ही समुदाय के व्यक्ति रहते हैं। यानी किसी एक परिवार की हम बात करते हैं तो उसमें जो परिवार जिस समुदाय से संबंधित होता है उस समुदाय के उसमें सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों में जो है समान गतिविधियां होती हैं, उनका रहन सहन और उनकी भाषा और उनका पहनावा, उनका खान पान लगभग लगभग समान होता है, क्योंकि वो सभी एक ही समुदाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं। तो इसी प्रकार से जीव विज्ञान की जो शाखाएं बांटी गई हैं, शाखाएं बनाई गई हैं, उन प्रत्येक शाखा में जिन जीवों को, जिन गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, वो सभी कहीं ना कहीं समानता दर्शाते हैं, जिसके कारण अध्ययन की सुविधा, खोजों की सुविधा, इस प्रकार से कई और सुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो सजातीय एवं पारस्परिक संबंध है, इसमें यह बताया जा रहा है कि इस शाखा के अंतर्गत उन संबंधित जीवों को रखा गया है जो समान जाति के हैं और आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, क्योंकि जब वो एक ही जाति, एक ही समुदाय के हैं तो उनमें कोई ना कोई संबंध, कोरिलेशन जरूर होता है। और जो कोरिलेटेड जीव हैं, एक दूसरे से संबंधित जीव हैं, पारस्परिक संबंध स्थापित करने वाले जीव हैं, उनको एक ही शाखा में व्यवस्थित किया गया है। तो परिभाषा देखते हैं, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं पारस्परिक संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं का, यानी कि आनुवंशिकी के अंतर्गत समान लक्षण वाले, समान गतिविधियों वाले, पारस्परिक संबंध यानी आपस में संबंध दर्शाने वाले जीवों को रखा गया है, सम्मिलित किया गया है, और हम उस शाखा के अंतर्गत उन्हीं समान जीवों का क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आनुवंशिकी की वो शाखा है विज्ञान, यानी आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों के आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब आप समझ पाए, ये यहाँ पर एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया है, आप अपनी भाषा में समझेंगे तो समझेंगे कि जीव विज्ञान, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। तो आप इस प्रकार से आज के वीडियो में आनुवंशिकता शब्द को डिफाइन किया गया है, और आप आनुवंशिकता, आनुवंशिकी, वंशागति, आनुवंशिकता के जनक सब के बारे में जान लिया। तो आज आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर नया चैप्टर, जो भी आपका नंबर आ रहा हो चैप्टर में, डाल करके चैप्टर का नाम आनुवंशिकता तथा जैव विकास डाल करके इसको फेयर करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसके आगे के टॉपिक लेकर के